और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, संसद में नोट के वोट के बदले वोट देने का मामला है और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सदन में वोट के लिए रिश्वत लेने पर अब मुकदमा चलेगा। तो बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, सदन में वोट के लिए रिश्वत लेने पर अब मुकदमा चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के फैसले को पलटा है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि सांसदों और विधायकों को मिला कानूनी जो संरक्षण था वो हटा दिया गया है। सोमवीर शौरांड वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, खबर फास्ट पर आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। सदन में वोट के लिए रिश्वत लेने का ये जो मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले पर मुकदमा चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को भी खारिज कर दिया है। देखिए किरण जी, इसमें दो चीज देखते हैं, एक कानूनी पहलू है और एक नैतिकता का पहलू है। राजनीति में कितनी नैतिकता बची है, कितना क्या है, वो नैतिकता को पे भी जो सवाल था, एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ हल हुआ हमारा देश की राजनीति में। तो राजनीतिक पार्टियों को भी इतना अब अकल आए और वो जो पहले का प्रिविलेज था कि पार्लियामेंट में एमएलए या असेंबली, पार्लियामेंट में एमपी, असेंबली में जो एमएलए थे, वो कोई भी रिश्वत ले ले या कोई भी बयान दे दे, कोई भी किसी तरह का अपराध कर दे, वो अध्ययन तथा उसके रेला होती थी, वो कानूनी दायरे में, अपराध के दायरे में नहीं आते थे, सजा नहीं हो पाती थी, उसको आज इसने पलट दिया। इसका इतिहास ये था कि एक बार नरसिंह राव की सरकार में जेएमएम और कुछ अन्य जो एमपी थे, उन्हें वोट के बदले, कैश के बदले वोट दिया था, पैसा लेके वोट दिया था, वो चीजें प्रूव हो गई थी। खास बात इसमें विशेष में ये करना चाह रहा हूँ, जनता को, हमारे व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ, ये चीज प्रूव हो गई थी कि इन्होंने सरकार को बचाने के लिए, नरसिंह राव की जो सरकार है उसको फेवर करने के लिए, फेवर वोट देने के लिए पैसा लिया है। ये चीजें एविडेंस आ गई थी, ये चीज प्रमाणित हो गई थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट के अंदर ऑफेंस हुआ है उसके लिए एमपी एग्जेम्प्टेड है, उनको अम्ब्रेला है, वो उनको वो दोषी नहीं ठहराया जा सकता, वो अपराध के शरीर में नहीं आते। इस वजह से वो लोग हो गए थे, उसमें जेएमएम मेन था, ये शिबो सोरेन गुरु जी कहते थे उनको, वो और उनके तीन एमपी थे, उनका वो कुछ एमपी दौर थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया था। तो ये एक मील का पत्थर है, आप ये समझ लीजिए कि नैतिकता का जो राजनीति में सुधारिता है उसके लिए बहुत ही बड़ा एक मील का पत्थर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जनता के राजनीति के लिए बहुत ही, एक बहुत ही अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को हमें धन्यवाद देते हैं, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही समझदारी वाला एक फैसला है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी चीजें क्या थी कि हो क्या रहा था, अब हम ये देखें, प्रेजेंट गवर्नमेंट कहती केंद्र ने अभी अक्टूबर से रखा हुआ था ऑर्डर उसके लिए, तो जैसे केंद्र के से जो राय मांगी इस केस में, राय क्या पार्टी थी केंद्र, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी ये वर्सन दिया था कि इसके दायरे में आने चाहिए वोट के बदले में, या कोई अपराध एमपी एमएलए असेंबली में या पार्लियामेंट में करता है तो उसको इस अपराध के दायरे में होना चाहिए, उस सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सरकार का वर्षन ये था, केंद्र सरकार का हमारी का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये राजनीति के लिए, आगे भविष्य में नैतिकता के लिए और राजनेताओं के लिए बहुत ही बड़ा सबक देने वाला फैसला है। और हम इस न्यायपालिका को सलूट करते हैं, इस टाइप के जो फैसले देते हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, जो इन चीजों को कंट्रोल करती है, जो इन चीजों पर कुछ रखती है, जो इन चीजों पर प्रतिबंध रखती है, ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि एग्जेम्प्टेड ने इनको सजा नहीं दी जा सकती। इवन देन द केस वाज प्रूव्ड दैट केस वाज टेकन अगेंस्ट द वोटिंग, बट सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया इसमें सजा नहीं हो सकती। तो अब ये सवाल एक बचता है, अभी डिटेल आई नहीं, अभी फैसला सुना है, अभी डिटेल बढ़ा नहीं है मैंने भी, और
काफी टाइम लगेगा इसमें लोगों को देखने में सुनने में, तो उसके लिए ये लगेगा कि अब जो सिब्बू सोरेन का जो केस था उस वक्त जो लोग प्रूव किए थे, गिल्टी हेल्ड किए थे, सजा उन जिनको प्रूव किया था कि ये लोग अपराधी हैं, उनका क्या होगा या दोबारा केस रीओपन होगा, ये चीजें देखने वाली। ठीक है सोमवीर जी, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए, खबर फास्ट के साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट।